देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तहत आर्ट एंड कॉमर्स में एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। इसमें नाटक सीरियल में काम करने के इच्छुक युवाओं को नई राह मिलेगी। इस कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नाटक के क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए नए कोर्स और डिग्री की शुरुआत इंदौर में हो रही है। अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े का कहना है कि इस नए कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसमें इंदौर के रंगकर्मी और देश के ख्यात रंगकर्मियों की राय ली जा रही है। नए युवक और युवतियाँ है जिनको कि लगता है कि नाटक में भाग लेना चाहिए। नाटक का कहीं ना कहीं एडमिशन की जो दिक्कतें हैं वो इंदौर में बड़े पैमाने पर थी। एक बेहतरीन आर्टिस्ट के लिए, एक अच्छे कलाकार के प्रशिक्षण के लिए जो आवश्यक पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की हमने सैद्धांतिक सहमति आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में दी है। और हमें उम्मीद है कि हम ऐसे नाटक क्षेत्र में काम करने के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए एक ओपन थिएटर भी बना रहे हैं, जो कि एक परंपरागत रूप से न केवल सैद्धांतिक रूप से उसको पढ़ाया जाएगा बल्कि प्रायोगिक रूप से भी पढ़ाया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से इसको अनुमति ली जानी है और इसके पश्चात ये पाठ्यक्रम अब शुरू हो जाएगा। सर, ये कोर्स किस ये कोर्स दो भागों में विभाजित कर रहे हैं हम लोग। ये ग्रेजुएशन के पश्चात होगा। ग्रेजुएशन के पश्चात एक डिप्लोमा और दूसरा हम लोग डिग्री, ये दो तरह की पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। और हमें लगता है कि नाटक के क्षेत्र में इंदौर में बहुत ज़्यादा संभावना है और उसको व्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से ये पहल हमने की है। पाठ्यक्रम तैयार करने में इंदौर के स्थानीय रंगकर्मियों के अलावा हम राष्ट्रीय स्तर के रंगकर्मी और उस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की सहायता ले रहे हैं, ताकि एक हम आदर्श पाठ्यक्रम बनाएं जो देश में अपनी तरह से अनूठा होगा और एक बेहतरीन रूप में पाठ्यक्रम देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।